जय हिंद फ्रेंड्स, आज के इस वीडियोस में हम आप सबको एक बहुत ही बेहतरीन कोशिश बताने वाले हैं। ये सब देखिए, इसको हम ट्रिक से बताएंगे, बिना टाइम बर्बाद किए आप लोग इसको ना सेकेंडों में इसके आंसर ला सकते हैं, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हर साल पूछते हैं, VVVI है। जो भी स्टूडेंट 2024 में बोर्ड एग्जाम देते हैं उनके लिए क्वेश्चंस काफ़ी ईजी हो जाता है। तो देखिए, पहला ट्रिक कहता क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा तो सब कुछ आसानी से समझ में आएगा। पहला ट्रिक कहता है कि अगर है ना कोई भी है ना त्रिकोणमितीय फलन, कोई भी त्रिकोणमितीय फलन जो है, अगर त्रिकोणमितीय फलन P/Q के फॉर्म में हो, है ना, P/Q के फॉर्म में हो, तो उसका आंसर जो होता है हमेशा ही एक होता है ना। एक आपका थ्योरी हुआ। दूसरा, अगर त्रिकोणमितीय फलन है ना त्रिकोणमितीय फलन अगर आपका P-Q के फॉर्म में हो तो आपका आंसर हमेशा ही शून्य आता है। आइए इस कंसेप्ट को हम समझाते हैं क्या होता है। यहाँ पे आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, चार क्वेश्चंस हैं। इस कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो आप कोई भी क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, पहला जो आपका सवाल दिया है वो है sin 18/cos 72, ठीक है। sin 18 डिग्री और इसके जस्ट है cos 72। इसका मान आप अगर कोई पूछे ऑब्जेक्टिव में आए तो शॉर्ट से लिख सकते हैं आंसर एक, आपका यही आएगा। देखिए, इसमें आपको दो फंक्शन है, जो एंगल दिया है उसको जोड़ के देखिए 90 हो रहा है कि नहीं। तो 18+72 जैसे ही जोड़िएगा आपका 90 डिग्री हो गया, इसलिए इसका आंसर एक हो जाता है। इसको अगर दो नंबर के क्वेश्चंस आ गए और इसको सोल्यूशन करना हो तो आपको इस तरह से लिख दीजिएगा तो नंबर नहीं मिलेगा। आप पढ़े हैं कि sin 90 - θ क्या होता है, cos θ होता है ना, sin 90 - θ cos θ। इसी तरह से इसको तोड़ेंगे तो देखिए, आप इसको लिख सकते हैं sin 90 - 72, 90 में से 72 घटाने पे 18 आता है, और फिर नीचे भी लिख सकते हैं cos 72। अब यहाँ पे जैसे ही तोड़िएगा sin 90 - θ, इसका होता है cos θ, तो cos θ की जगह पर 72 और नीचे भी क्या है cos 72। जब भी दो फंक्शन दो तो किसी एक को चेंज करना है, ये कट के आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। तो है ना इजी, तो इस तरह से आंसर लाया जाता है। आइए इसका दूसरा पार्ट देखिए। दूसरा जो क्वेश्चन है ये लिखा है, देख सकते हैं tan 26 और cot 64। तो इसको भी देखिए, आपको करना क्या है, इसमें दो फंक्शन है, किसी एक को चेंज कीजिए। तो चलिए, पिछले में जब ऊपर वाला, इस बार नीचे वाला को चेंज करते हैं। तो tan 26 जस्ट का 10 लिख देते हैं, और अगर कोई आपसे पूछे cot 64 क्या होता है तो आप बोलेंगे cot 90 - 26, 90 में से 26 घटाने पे cot। अब यहाँ पे एक सूत्र होता है वो जो मैं लिख के दिखाता हूँ, cot 90 - θ जब भी पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए tan θ। तो इस तरह से जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा हो जाएगा tan 26, ओके, और ये cot 90 - θ हो जाएगा tan θ, तो tan 26, और ये tan 26 और ये tan 26 कट के आपका 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब माइनस वाला ये आपको सिखाते हैं। ये देखिए, cos 48 - sin 42, इसको कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिए, इसको भी बहुत ईजी तरीके से किया जा सकता है। cos 48 - sin 42, इसका आंसर हमेशा ही 0 आता है। आइए इस कंसेप्ट को समझते हैं, 0 कैसे होता है। आप इसमें से किसी दो, जब भी दो फलन आए तो कोई एक को चेंज करना है, तो इसमें से मान लीजिए अगर इसको चेंज करना चाहते तो इसको भी कर सकते हैं या इसको भी। तो इसको आप लिख सकते हैं cos 90 - 42, 90 में से 42 घटता है तो sin 48 आता है, और इसको जस्ट का 10 तो sin 42, ठीक है। तो cos 90 - θ, आपको मैंने पहले भी यहाँ पे सूत्र बताया, नहीं भी बताया है तो यहाँ पे देख लीजिए, cos अगर 90 - θ होता है तो इसकी आप लिख सकते हैं sin θ, ओके। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं sin 42 और फिर ये sin 42, ये दोनों कैंसिल आउट होके आपका आ जाएगा 0। एक क्वेश्चन और है, उसको अगर आप समझ लेते हैं तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन है cosec 31 - sec 59, कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। cosec 31 - sec 59 बहुत इजी है, आपको दो फंक्शन है, इसमें से किसी एक को चेंज करना होता है। ऐसे इसका आंसर कोई पूछे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से तो आप इसको 0 बता दीजिए, आंसर सही होता है, है ना। 59 और 31 मिलकर 90 होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। तो मान लीजिए cosec 90 में से, थोड़ी यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ देखिए cosec
90 माइनस 59, 90 में से 59 को घटाएंगे तो 31, फिर sec 59। ओके, अब देखिए cosec 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, तो sec हो जाएगा और थीटा की जगह पर 59, और ये हो जाएगा sec 59, और ये दोनों जब कैंसिल आउट होंगे तो इस तरह से आपका जीरो मिलेगा, जो कि आपका आंसर हुआ। आई होप डेट कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। बेस्ट ऑफ योर लक, जय हिंद।